हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मदर टेरेसा, जिन्होंने अरबों लोगों का दिल जीता है और जो करोड़ों गरीबों का सहारा बनी थी, वो मदर टेरेसा लाखों गरीबों के मौत की वजह भी बनी थी, क्या आपको ये पता है? जी हाँ, इनफैक्ट उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के अनाथ आश्रम में बच्चों को घंटों घंटों तक रोब्स या क्लोथ से उनके हाथ पैर बांध के उन्हें लटका दिया जाता था। और बस इतना ही नहीं, उन्हीं के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बार बार यूज किए हुए नीडल से इंजेक्ट किया जाता था, प्लस उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिंस भी पिलाई जाती थी। एंड आई नो आप अभी तक काफी शॉक हो गए होंगे, बट क्या यहाँ पर बात पैसे बचाने की थी? वेल, लगता तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी मौत के बाद ये पता चला था कि उनका नेटवर्थ 752 लाख करोड़ रुपीज था। इतना कि अगर वो अपने पैसे वैटिकन बैंक से विड्रॉ करा लेती तो बैंक ही बैंकक्रप्ट हो जाता। तो इतने पैसे होने के बावजूद भी क्यों गरीबों की मसीहा बनी इस औरत ने गरीबी नहीं हटाई? क्या उसने सारे पैसे अपने ऐशो आराम में लगा दिए? वेल, इसे जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मिस्टीरियस वीडियो, जिसका नाम है मदर टेरेसा का असली चेहरा। अब इससे पहले कि हम मदर टेरेसा के असली चेहरे को जानें, चलिए जरा अपनी मेमोरी को ब्रशअप कर लेते हैं और जानते हैं कि हमें आज तक मदर टेरेसा के बारे में क्या ही पढ़ाया जाता है और उनका कौन सा चेहरा हमें दिखाया जाता है। अब जहां तक मुझे लगता है, मदर टेरेसा नाम सुनते ही हमें ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स लाइक ट्रीटिंग द लीपर्स, गरीबों के घर का खाना एंड एजुकेशन एंड गरीबों की भरपूर चैरिटीज एंड प्यार देना, ये सब हमारे दिमाग में आता है, राइट? आएगा भी क्यों नहीं, उनके इसी सारे नेक कामों की वजह से उन्हें 1979 में द नोबेल पीस प्राइज जो मिला था, जो उन्हें इंडिया के कैलकटा में दिया गया था बाय द वे। हालांकि अगर हम मदर टेरेसा की ओरिजिन देखें तो वो यूरोप के बाल्कन रीजन में अल्बेनिया कंट्री से आई थी, जहां वो 19 साल की उम्र तक रही थी और फिर वो 1929 में इंडिया आ पधारी और 2 साल बाद यानी कि 1931 में वो एक चर्च के नन और कैलकटा के सेंट मेरीज हाई स्कूल में टीचर बन गई। उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त उनको इंडिया की गरीबी और यहाँ के लोगों की सफरिंग्स दिखी, जिसको देखकर वो इतनी भावुक हो गई थी कि उसने चेंज लाने की ठान ली। एंड बस 1950 में उसने खुद का द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही मकसद था, टू लव एंड टू केयर फॉर दोस पर्संस नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू लुक आफ्टर। उनके इसी मकसद की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्द अच्छा खासा नाम कमा लिया, जिसके चलते दुनिया भर में सिर्फ उनका ही नाम मशहूर हुआ। सिर्फ उनका नाम ही मशहूर नहीं हुआ, बट साथ ही साथ उनके ऑर्गेनाइजेशंस के ब्रांचेस भी फैलने लगे। अब इसके अलावा जो और 4 बातें हमें पढ़ाई गई थी, वो थी, नंबर 1, मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने कैलकटा के स्लम्स और बेहद गरीब इलाकों में जाकर बच्चों और अन्य डेस्टिट्यूट को सहारा दिया बाय एडमिटिंग देम टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने बीमार और आखिरी सांस ले रहे लोगों के लिए कालीघाट होम बनाया था, सो दैट दे ऑल कैन डाई इन पीस। नंबर 3, अनाथ बच्चों के लिए शी मेड शिशु भवन, सो दैट दे ऑल कैन लिव इन पीस। नंबर 4, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीता by her selfless, caring, compassionate, simple और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले स्वभाव से। और हमने भी मदर टेरेसा को उनके इस स्वभाव से याद रखा है और उनके इसी गरीबी के सहारे बनने की कहानियां इतिहास में सुनी है, राइट? बट क्या ये इतिहास पूरी तरह से सही था? क्या यही था उसका असली चेहरा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, उनका असली चेहरा शायद कुछ और था। तो सवाल ये उठता है कि क्या था उनका असली चेहरा और उस चेहरे का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे और किसने किया? Well, उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उन्हीं के अपने घर वालों ने, उन्हीं के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लोगों ने किया, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि मदर टेरेसा बस दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद कर रही थी, पर असल में वो उनकी कोई मदद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो सैकड़ों गरीबों के मौत की वजह बनी। जी हाँ, और इसी स्टेटमेंट के आई विटनेस है मदर टेरेसा के ही मिशनरीज ऑफ चर्च के एक वॉलंटियर डॉक्टर, डॉक्टर आरोप चैटर्जी, जो इंडियन होते हुए भी इंडिया में नहीं रहते थे, पर आरोप यूके में अपने मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने जाए उससे पहले उन्होंने कैलकटा के सभी गरीब रीजन्स में जाकर वृद्ध और गरीबों का वॉलंटरी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचा और आ गए इंडिया। जब वो सड़कों पर गिरे हुए वृद्ध और गरीबों की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उस दौरान वहां पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक भी सिस्टर या नन को नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें डाउट गया और उन्होंने वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया। एंड इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्होंने जो देखा, वो सब देखकर वो वहां पर एक और दिन नहीं रुक पाए और अगली ही सुबह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यूके के लिए रवाना हो गए।
पर जब वो यूके पहुंचे तब उन्होंने ये देखा कि वहां पर लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे। इनफैक्ट उनके गरीबों के लिए प्यार के चर्चे हर जगह हो रहे थे। सो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए और उनकी आंखों पर झूठ की पट्टी हटाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में जो भी देखा वो सब कुछ ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचिन्स को बता दिया। क्रिस्टोफर वही शख्स है जिसने डॉक्टर अरोप के बताए गए मदर टेरेसा के काले कारनामों पर हेल्स एंजल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इतना ही नहीं, उन्हें आज तक मदर टेरेसा का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कई सारे लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मिशनरीज में बहुत से टॉर्चर्स और इनटॉलरेबल चीजें हो रही थी जो लोगों के आंखों के सामने तो नहीं आ रही थी, बट दिस वॉज ऑल डन अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ मदर टेरेसा। यहाँ सबसे बड़ा शौक जो सबको लगा था वो ये था कि वहां के हॉस्पिटल्स में एक ही नीडल को बार बार रीयूज किया जा रहा था to treat all the patients. ये shocking इसीलिए था क्योंकि उसी hospital में बहुत सारे patients को तो HIV/AIDS था, who were already having an impaired immune system. अब आप ही सोचो उनके इस malpractice की वजह से कितने ही दूसरे patients को भी inject कर करके HIV patients में बदल दिया गया होगा, और किस हद तक needles के reusing से बीमारियां फैली होगी। और दुख की बात तो ये थी कि उन बीमारियों को treat किया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि hospital के सभी doctors और nurses की कभी कोई medical training हुई नहीं थी। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स और नर्सेस वॉलंटरीली मदद करने आते थे उनका भी कोई बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं किया जाता था। जब इस विषय पर जर्नलिस्ट डोनाल्ड मैकिंटायर को पता चला तब वो डॉक्टर का भेस लेके हॉस्पिटल जहां पहुंचे, एंड गेस व्हाट, द न्यूज वॉज राइट। उनका कोई बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन चेक नहीं हुआ था, और डोनाल्ड ने मदर टेरेसा के सामने हो रहे इस नेग्लिजेंस का तो पर्दाफाश किया ही, बट साथ ही में उन्हें मदर टेरेसा के ही निगरानी में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता चला। जी हाँ, वहां पर चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि मिशनरीज में मेंटली इल बच्चों को रोप्स या क्लोथ से बांध दिया जाता था सो दैट वो बच्चे बिना हिले डुले पूरे दिन एक ही जगह पर पड़े रहे। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि वहां पर ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना बेड्स, ना प्रॉपर मेडिसिन, और यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर्स तक अवेलेबल नहीं थे। इतना ही नहीं, वहां पर पेशेंट्स को गर्म पानी तक नहीं मिलता था, और जब पेशेंट्स उनसे हीटर्स के इंस्टॉलेशंस की बात करते थे तब नंस उन्हें ये कहकर मना कर देती थी कि जीसस को ये बात पसंद नहीं है, इसीलिए वो हीटर्स यूज नहीं कर सकते। लाइक सीरियसली, बट इतनी बेरहम क्यों थी ये मदर टेरेसा? क्या उसे पैसों की कमी थी? वेल, जैसे मैंने बताया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मदर टेरेसा को अकेले ही हर साल दुनिया भर के डोनर्स $30 मिलियन यानी 225 करोड़ की फंडिंग करते थे। और स्टर्न मैगजीन्स का तो ये भी कहना है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी भले ही अपने आप को कितना भी गरीब दर्शाए, पर उसी मिशनरी की एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। है ना चौंकाने वाली बात। बट इससे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि मदर टेरेसा को इन सब जेन्युइन इन्वेस्टर्स के अलावा क्रिमिनल्स एंड फ्रॉड्स के द्वारा भी फंडिंग आती थी। यस, क्रिमिनल्स एंड फ्रॉड्स। फॉर एग्जांपल, चार्ल्स कीटिंग नाम के एक शख्स ने मिशनरीज में 9.41 करोड़ का डोनेशन दिया था, और डोनेशन के कुछ ही टाइम बाद ही वेंट टू प्रिजन फॉर डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स। जहां शॉकिंग बात तो ये थी कि इस बात का पता चलने पर भी मदर टेरेसा ने वो पैसे इन्वेस्टर्स को नहीं लौटाए। इनफैक्ट हाइटी देश के डिक्टेटर जीन क्लाउड डुवेलियर, जो अपने ही देश के लोगों के साथ बेरहम अत्याचारों के लिए पूरे दुनिया में मशहूर थे, मदर टेरेसा ने उनसे भी कई दफा डोनेशंस एक्सेप्ट किए थे। बट ये सब तो फिर भी कुछ नहीं था क्वेश्चन मोर के एक जर्नलिस्ट के रिपोर्ट्स के हिसाब से। अगर मदर टेरेसा ने अपने मौत के पहले वैटिकन बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर लिए होते तो वैटिकन बैंक पूरी तरह से कंगाल हो जाता, क्योंकि वैटिकन बैंक का मोस्ट कैश्ड अप अकाउंट मदर टेरेसा का ही था। सो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे पैसे आ रहे थे तो मदर टेरेसा ने उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया? Well, वो जानना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन पैसों को दबाने में सिर्फ मदर टेरेसा का अकेला का ही हाथ नहीं था, बल्कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स का भी हाथ था उन्हें सपोर्ट करने में। जब मिशनरी ऑफ चैरिटीज के ऑडिट बुक्स का इंस्पेक्शन हो रहा था तब पता चला कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंजूरी पर मिशनरीज ने अपने अमाउंट्स को एज क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन दर्ज किया था, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि एज पर इंडियन लॉ चैरिटीज को डिटेल में लिखना होता है कि उनको कहां से क्या अर्निंग्स मिली है। बट मिशनरीज ऑफ चैरिटी के इंडिया के ब्रांच को तो छोड़ो, पूरे दुनिया भर के ब्रांचेस में उनको पैसे कहां से आ रहे थे, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे कोई भी रिकॉर्ड्स कहीं पर भी मेंटेन नहीं मिले। पर चलो, पैसे कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, ये तो फिर भी काफी छोटा मुद्दा है।
बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो मदर टेरेसा हमेशा से ही गरीबों का सहारा बनी थी, जिसे प्यार और पूरा जीवन गरीबों के लिए कुर्बानी देने के लिए इतना सारा पॉपुलैरिटी मिला, उसने गरीबों को ये सारे पैसे क्यों नहीं दिए? अगर दिए होते तो क्या गरीबी सच में रहती? एग्जैक्टली, अगर गरीबी चली जाती तो उसका इमेज कैसे बनता? दरअसल गरीबों को जितनी जरूरत मदर टेरेसा की थी, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत मदर टेरेसा को उनकी थी। पैराडॉक्सिकली, अपना नाम बनाने के लिए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए शायद मदर टेरेसा ने ये सब कुछ किया। शी वॉज बेसिकली अ पेड अप क्रिश्चियन मिशनरी। हिचिन्स एंड डॉक्टर चैटर्जी के अलावा भी कई सारे रिपोर्टर्स का मानना है कि मिशन के सिस्टर्स एंड नंस मरे हुए बच्चे और अन्य मरीजों का अंतिम संस्कार करने से पहले फ्री टिकट टू हेवन के नाम पर उन्हें बैप्टाइज, यानी कि बिना उनकी मर्जी जाने उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। कन्वर्जन के अलावा इफ पैसों की बात करें, सो शी कुड हैव इजीली कन्वर्टेड द ओवरऑल कंडीशंस इन हर ऑल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, ऑर्फनेजेस, नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स, बट उसने ये किया नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से गरीबी जीसस क्राइस्ट की एक खूबसूरत देन है और सफरिंग्स से ही दुनिया का भला होगा। आई नो काफी वियर्ड है, बट उसके हिसाब से गरीबी का डेफिनेशन ही वही था। बस यही वजह थी कि मदर टेरेसा गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और कोई भी फैसिलिटी जैसे हीटर, बेड्स या मेडिसिन नहीं देती थी, सो दैट दे कैन सफर एंड अल्टीमेटली डाई। बट जहां पर उसके संस्था के मरीज हॉरिबली एंड एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक कंडीशन में ट्रीटमेंट पा रहे थे और मर रहे थे, वहीं जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ी, तब उसकी ट्रीटमेंट यूएस के टॉप हॉस्पिटल्स में की जा रही थी। सो क्या ये सुनकर आपको दोगलापन नहीं दिख रहा? एंड दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और दुनिया के सामने जितना हो सके ये फैलाओ। सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ये सेंड करो ताकि सभी को मालूम पड़े दुनिया में कैसे लोग भी हो सकते हैं। एंड या डेफिनेटली हमें ऐसे पर्सन को इतना पेडेस्टल पर नहीं चढ़ाना चाहिए एंड उन्हें मैसेंजर ऑफ लव तो डेफिनेटली नहीं बुलाना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर ऐसे वीडियोस आगे भी और देखने हैं तो, जो आपका नॉलेज बढ़ाए। एंड सी यू इन अनदर वन। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।